हेलो दोस्तों, टेक ऑफ कॉम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर अपने कंप्यूटर की ड्राइव को आपके पार्टीशन को अगर आपको अलग करना है, या आपको मान लो आपके पास 200 GB की ड्राइव है, आपको दो बार मतलब चलते हुए रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको उसको 100 GB में पार्टीशन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो चलो ये ले चलते हैं, मैं बताता हूँ कि आपको ये काम कैसे करना है। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आपको उस पर जिस पीसी पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा मैनेज, सेकंड नंबर आपको यहाँ पे जाना है। मैनेज जब क्लिक कर देंगे तो एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब मुझे जिस ड्राइव के पार्टीशन को अलग करना है या क्रिएट करना है, नया बनाना है। जैसे मान लो मैंने दो हार्ड डिस्क लगा रखी है, तो मेरे में दो हार्ड डिस्क शो कर रही हैं। जैसे 300 GB है, मैं 300 GB में या कुछ में अलग करना चाहता हूँ। जैसे 331 GB है, तो मैं इसमें अलग करना चाहता हूँ। कितना अलग करना चाहता हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10 GB 15 GB 20 GB। अगर आपके पास 200 GB है, अगर उसमें 100 GB खाली है, तो मैं चाहता हूँ 100 GB अलग करना चाहूँ, तो आप 100 GB भी अलग कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसको ले लेता हूँ। इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा श्रिंक वॉल्यूम, श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। अब ये देखिए नया आ गया है ऑप्शन, यहाँ पे दिखाने लगा है मेरा टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB, मतलब मेरा टोटल साइज इतना है और जो अवेलेबल श्रिंक है वो इतना है। अब कितना हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर मान लो मेरे पास लगभग 35 GB स्पेस खाली है, तो हम चाहते हैं कि 10 GB मेरा यहाँ पे आ जाए। तो मुझे 10 टाइप करना है यहाँ पे, 10 GB मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अगर आप 50 GB, अगर कितने भी GB आपकी अगर ड्राइव है, अगर उसमें से कितना भी पार्टीशन आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको उतना लिखना पड़ेगा और श्रिंक करा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर आपको श्रिंक करा देना। जब श्रिंक कराएंगे, देखिए एक नया पार्टीशन मेरा तैयार हो गया, लिख के आ गया 9.77 GB अनअलोकेटेड। इस पर आप राइट क्लिक करना है, इसको रन कराने के लिए राइट क्लिक करना है और पहला वॉल्यूम आएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, आपको फिर से नेक्स्ट करना है एक बार। एंड असाइन दी फॉलोइंग ड्राइव लेटर, ड्राइव लेटर कोई भी चुन लीजिए जो दोबारा ना बनाओ, कोई भी ABCDEFG जो भी है, बस दोबारा ना बनाओ। आप फिर से उसको नेक्स्ट कर दीजिए। आप किस में फॉर्मेट करना चाहते हैं, NTFS में, FAT में, तो ये सब आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम करेंगे तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन फॉर्मेट करना ही बेहतर होगा। और इसको NTFS में ही फॉर्मेट कीजिए, क्योंकि जो हमारा नया वर्जन है, नया फाइल सिस्टम, वो NTFS ही चलता है। तो आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। वॉल्यूम लेवल का नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने मान लो दे दिया टाइगर, तो मैंने टाइगर टाइप कर दिया है यहाँ पे, कैपिटल टी कर देता हूँ यार, इसमें टाइगर टाइप कर दिया। इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर से इसके बाद फिनिश। देखिए दोस्तों आ गया, ये मेरा पार्टीशन तैयार हो गया। देखिए जैसे तैयार हुआ मेरा पार्टीशन, पार्टीशन ओपन हो गया। अब मैं दिखाता हूँ अपनी ड्राइव में मेरे कितने सारे पार्टीशन बने हुए हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर पर कीबोर्ड से विंडो ई प्रेस करता हूँ, जिस पीसी में जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा एक टाइगर का, मेरा क्या नाम है, एक वॉल्यूम नया तैयार हो गया है जो लगभग 10 GB का है। आप इसमें कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं, कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन है, उसे जरूर दबाइए, ताकि आपकी नोटिफिकेशन मुझे जरूर मिलती रहे। अगर आपको कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को पढ़ूंगा, उसे सॉल्व करूंगा और आप तक उस सॉल्यूशन को पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड धन्यवाद एंड चैन।